211 Shri Sani. के आंकड़ा के अनुसार भारतीय रेल में 6,833 अधिकारियों के पद वर्क चार्ज थे, जो कुल अधिकारियों का 35% है। इससे सिद्ध होता है कि वर्क चार्ज पदों का इस्तेमाल रेगुलर नेचर के कार्यों पर किया जा रहा है, जिसके कारण अधिकारियों को पदोन्नति बाधित होती है। सवाल पूछिए। हाँ सर, वही सवाल पूछ रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय से 6,833 वर्ग चार्ज पदों के ग्रुप ए का 5,400 ग्रेड पर कोई भी पद नहीं है, जिसके कारण ग्रुप बी के अधिकारियों के पदोन्नति में इसको दिक्कत हो रहा है, जिसको 15 से 20 साल से आज तक पदोन्नति नहीं हुआ। माननीय मंत्री महोदय से पूछना जानकारी लेना चाहते हैं कि जो बी ग्रुप में है, जिसका पदोन्नति होना चाहिए था, उसका पदोन्नति इस कारण से रुका हुआ है। इस पर किसी प्रकार के विचार आप किस प्रकार से इसका पदोन्नति कीजिएगा, इस पर जवाब। सर, हमारे सम्मान्य सदस्य रेल के कार्रवाई के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकार है, क्योंकि शायद उन्होंने कुछ समय रेल में काम भी किया था, मैं गलत नहीं होगा, तो इसके लिए उनको रेल के बारे में कारोबार कैसे चलता है अच्छी जानकारी भी है। सर, हम रेलवे में दो तरीके के पोस्ट है, एक तो रेवेन्यू पोस्ट है, रेवेन्यू, और दूसरे पोस्ट है वो जो वर्क चार्ज पोस्ट है। ये वर्क चार्ज पोस्ट एक कुछ समय के लिए क्रिएट किया जाता है, ज़्यादातर के एक साल, कभी कभी उसको बढ़ाया भी जा सकता है, और उसका काम यह है, उसका कारण यह है कि जहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो प्रोजेक्ट को ठीक तरह से चलाने के लिए, वो लोगों की निगरानी रखने के लिए, वो प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो, उसकी दखल लेने के लिए इस तरह के पोस्ट क्रिएट किए जाते हैं। तो आपको मैंने मेरे उत्तर में भी कहा है कि उनके पास जितने भी पोस्ट है, ये सभी पोस्ट आज सिर्फ इस कारण के लिए कि जो काम चल रहा है उसके लिए। आपको भी इस बात को सुन के शायद खुशी भी होगी कि पहले रेल में 35-40 हज़ार करोड़ से ज़्यादा कभी प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं दिया जा सकता। हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हम लोगों ने उसको बढ़ाकर पिछले 3 साल में 3,75,000 करोड़ करीबन हम लोगों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बढ़ाया, तो बड़े मात्रा में प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, और जो प्रोजेक्ट चलेंगे तो उसकी निगरानी रखने की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। और इसीलिए एक जो रेलवे की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको तय करती है, और रिसर्च एंड एफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन, और उसके तहत ये किए जाते। लेकिन आपकी जो आपको संदेह है कि क्या इसकी वजह से प्रमोशन नहीं मिल रहे, मुझे नहीं लगता है, लेकिन चाहे तो मैं उसको वापस देख भी लूँगा। दूसरा प्रश्न। सभापति महोदय, मंत्री जी जो जवाब दिए उससे हम संतुष्ट हैं, साथ ही SAG के ऊपर के पदों पर स्वीकृत पदों से अधिक संख्या में अधिक अधिकारी तैनात हैं, जिनको प्रशिक्षण का अवकाश भेज कर समायोजित किया जा रहा है, जिससे राजस्व को क्षति हो रही है। आप किसी भी जोन से इसके बारे में आंकड़े मांग सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना इससे राजस्व का क्षति हुआ है। ये जानकारी भी प्राप्त हुई है कि जो नए जोन बनाए गए हैं उनमें ब्रांच अधिकारियों के पद भी वर्ग चार्ज पर है, जो कि उचित नहीं है। आपसे निवेदन है कि इस पर भी ज़रा ध्यान दें कि नए जो है सो इसका किस प्रकार से समावेश होगा, जिससे नए जोन जो खुल रहे हैं वहाँ पर कार्य हो। थैंक यू। सर, अभी 3 साल में तो कोई इस तरह का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि जो वर्क चार्ज पोस्ट है, जैसे मैंने अभी शुरू में कहा किसके कारण किए जाते, लेकिन मैं आपको आश्वासित करना चाहता हूँ, वर्क चार्ज पोस्ट को रेवेन्यू पोस्ट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए वर्क चार्ज पोस्ट क्रिएट करने से इट लाइक एन एडॉक अरेंजमेंट, इसके लिए इससे भी किसी को जॉब के लिए खतरा होगा इससे स्थिति नहीं है। उनके पे स्केल भी उसी तरह से रहते हैं जिनको रेवेन्यू स्केल में मिलते हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है इसके चिंता का विषय, लेकिन आपने जो कहा उसके ऊपर हम जरूर ध्यान देंगे। श्री भट्टाचार्य। How many new zones are now under the planning of Railway Ministry? Because the problem which has been faced, and that problem cannot be sorted out if you open
new zones. What is the government's idea about that? Thank you. Bahuti, it's a completely different kind of a question. And I would like to tell him that we have noted your suggestion. This is pertaining to the work charge post. And what you're asking is a little different. But of course, I have noted your concern. We'll look into that. Shri Sanjay Raut. ये जो वर्क चार्ज पोस्ट है ये कोई प्रॉपर पोस्ट नहीं है. उसमें जो कर्मचारी की नियुक्ति होती है उनको काफ़ी परेशानियां होती है. उनको छुट्टी नहीं मिलती, सैंक्शंस नहीं मिलती, सुविधा नहीं मिलती. ये एक एडजस्टमेंट है और उनको जो कर्मचारी के जो अधिकार होते हैं वो उन्हें नहीं मिलते हैं. और मंत्री जी ने जो जवाब दिया है ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है. मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ये जो आप एडजस्टमेंट जो इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, कंस्ट्रक्शन जैसी हज़ारों डिपार्टमेंट से आप वहाँ लोग ट्रांसफ़र करते हो तो वहाँ के जो मूल लोग हैं उनका भी क्षमता का नुकसान होता है. ये लोगों का सही इस्तेमाल कैसा हो सकता है और इस वर्क चार्ज पोस्ट के जो समस्या है उनका परमानेंट सोल्यूशन आप क्या निकाल सकते हो? मैं आपको पहले उसके बारे में कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ. वर्क चार्ज पोस्ट ऐसे नहीं है कि जिसके लिए कोई बाहर से आदमी को ला के उस पर अपॉइंट किया जाता है. जो हाल ही में काम करने वाले जो अधिकारी है वो अधिकारी उस वर्क चार्ज पोस्ट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, टेम्परी पोस्ट किए जाते हैं. तो इसीलिए ऐसी स्थिति में और उनके जो वर्क कंडीशन है, उनकी जो सैलरी है, उनको जो मिलने वाले और बेनिफिट्स है, इसमें कोई भी कटौती नहीं होती. उसके लिए इस तरह की कोई संभावना नहीं है. लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये व्यवस्था शायद इसलिए बनाई गई थी, काफ़ी सालों से चल रही है. उसकी वजह यह हो सकती है कि यदि कोई प्रोजेक्ट चल रहा है वो प्रोजेक्ट चलाने के लिए कुछ हर जोन में बास्केट ऑफ प्रोजेक्ट को साथ में लेते हुए उसके ऊपर अच्छी तरह से निगरानी रखने के लिए यदि किस तरह की एक व्यवस्था बनाई जाए तो उसका लाभ हो सकता है. लेकिन इस तरह की स्थिति नहीं है कि उनकी वेतनमान में या उनके जो सर्विस कंडीशन में किसी भी तरह से क्षति हो. श्री मनीष गुप्ता. Sir, the issue of work charge staff in the railways is an issue which is very old. It is continuing for many years. We have also noticed in other departments of the government this work charge staff is a serious issue. Now, I'd like request the minister, through you, Mr. Chairman, whether the railways is deploying any other policy to control this malaise. Because something like benchmarking of manpower productivity ratios, whether this is being continuously done or this is a useful tool because it controls the dynamism and the dynamics of work charge staff. Thank you. Sir, one is, as I said, these are posts created to meet a particular contingency. Typically, the tenure of this post is for a year. Sometimes get extended depending upon the work, but typically it is something which is an arrangement made to meet a particular situation, and therefore this is the contingency which is created. Now you ask a very valid point. Now one is, let me clarify, these are not the temporary workers which are hired. This is not the work charge post what we are talking about. These are different work charge posts. Are the same officers posted from one position to another position? They are all gazetted officers, and currently there are about 12,250 gazetted officers posted like this. They are all gazetted officers. They are not the junior officers. Number two, you are asking me about what could be a good, durable idea, arrangement that can be worked out. Sir, if you recall, I had announced in my budget speech, railway budget speech, that we will make sure that we will create a project development and project implementation organization. Because the kind of project that we are going to implement in the railways are under implementation, considering the magnitude, considering the complexities, considering the speed at which they are getting implemented, and considering also the requirement of future, if you take all that into consideration, then we need probably a different kind of organization. So I would like to inform the House, as pursuant to that announcement that was made in my budget speech, we are already working out a project development organization. The work is already entrusted to a consultancy which is working on it, and I will inform the House as soon as it is complete. The point is well taken that we need to think about a completely different organization. So another point, just to answer the question of the honourable member, sir, only few days ago
We had called all our chief construction officers from different zones. And I told them, to, if possible, can we create a project team which will complete the project and till that time they will be there. So the responsibility of completion of project will lie particularly on some specific officer. Because we have seen that the team get dismantled, new officers come, they'll keep blaming each other. So can we take note of that? So this is another arrangement that we are trying to think about immediately. Also, sir, and last point, sir, as also what you are thinking about is a reward, that is an incentive scheme. If you complete the project before time, less cost, something like an incentive can be worked out. If you delay the project, and if you actually, there is a cost or time overrun, then there can be some disincentive which can be worked out. So this also is something which we are thinking about. Question 212. Thank you. मंत्री महोदय से मेरा इसका उत्तर आया ही नहीं सर. हैंडलूम पर रिबेट खत्म होने से मार्केट पर क्या असर होगा? पर आज गवर्नमेंट के ये अवेयर है क्या कि आज के तारीख पे मैं कहूँगा कि 10 साल से हैंडलूम सेक्टर में 65 लाख से घटकर 43 लाख हो गए हैं. और सबसे बड़ी बात यह है कि एग्रीकल्चर के बाद हैंडलूम सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉई हैं. लेकिन हैंडलूम सेक्टर पर आज के डेट में 3000 करोड़ रुपया का कर्ज है, लोन लिया गया है. आज भी हमारे हैंडलूम वर्कर्स सुसाइड कर रहे हैं. लेकिन इस हालत में अब जीएसटी लगाने से इसका हालत और ख़राब हो गया है. सो मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूँगा कि हैंडलूम को जीएसटी से बाहर रखने के बारे में आपका क्या विचार है? थैंक यू. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने जिस प्रकार से बोला है कि हैंडलूम पे काम करने वाले लोगों की संख्या पर चिंता व्यक्त की है, मगर सरकार के माध्यम से कि हमारे हथकरघा क्षेत्र में काम को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन केंद्र सरकार के माध्यम से लगातार नियमित किया जा रहा है और ये सेक्टर और आगे बढ़े, इस निमित्त समूह के गठन के माध्यम से और जो हमारे वीवर हैं उन वीवरों को अधिकतम हम सुविधा सरकार के माध्यम से, चाहे वो एजुकेशनल सुविधा है, चाहे उनके हैंडलूम को अपग्रेड करने की सुविधा है, चाहे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित मुद्रा बैंक के माध्यम से भी उनको हम सहयोग देने के साथ साथ, और आपने जिस प्रकार से जीएसटी का जिक्र इसमें अभी अपने प्रश्न में किया है, क्योंकि समूचे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका जीएसटी में खासतौर पर हैंडलूम के सेक्टर में कोई भी नहीं पड़ा है, क्योंकि अधिकांश बुनकर समुदाय जो अधिकांश जीएसटी की लिमिट से बाहर है, क्योंकि इसका जो टर्नओवर है वो 20 लाख से अधिक है, और चूँकि 20 लाख के अंतर्गत कोई भी वीवर नहीं आते हैं, और दूसरा चूँकि अधिकतर बुनकर बंधु जॉब वर्क के माध्यम से खरीद करते हैं और कच्चा माल बड़े व्यापारी उनको प्रदान करते हैं या सरकार के माध्यम से मिलता है, और उनका अधिकतम दैनिक मजदूर मेहनताना या उनकी मजदूरी ही जीएसटी वो भी उसमें नहीं आता. अगर बड़े बुनकर और व्यापारी जो निर्धारित मात्रा में अधिक टर्नओवर करते हैं वो जीएसटी के दायरे में आ सकते हैं, उन्हें जीएसटी में जोड़कर बिल बनाने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. अतः मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुनकर के बारे में जो आपने ये शंका व्यक्त की है, ये शंका इस पे नहीं. सेकंड क्वेश्चन, पहले तो हैंडलूम टैक्स के अंदर में बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन आज जीएसटी के अंदर आ रहे थे, इससे काफ़ी परेशान है इसलिए मैं बोल रहा था. लेकिन दूसरा मेरा सवाल ये है, जीएसटी के बाद मार्केट में दाम काफ़ी बढ़ गया है, और जो पहले जो रिबेट स्कीम था उसको क्या दोबारा फेस्टिवल के दौरान इम्प्लीमेंट करेंगे? महोदय, जिस प्रकार से आपने अपने प्रश्न में भी यह बोला था कि पहले 10% की रिबेट, ये पहले के स्टॉक संचित स्टॉक को देखते हुए 15 जनवरी 2004 से लेकर 2005 तक 31 मार्च तक शुरू की गई थी. इस पर 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया था, 957 करोड़ रुपया इसमें दिया भी था, और चूंकि इसको पुनः देखते हुए राज्यों ने और हमारे हथकरघा संगठनों ने इसको पुनः आरंभ करने की बात करी थी, जो 1 अप्रैल 2006 से लेकर
2009 तक इसको पुनः शुभारंभ किया गया, क्योंकि आपने ठीक बोला है कि इसको पुनः शुरू करने का, क्योंकि आज की स्थितियों को देखते हुए हमको बुनकर ये जो राष्ट्रीय कार्यक्रम हमारे चलते हैं, विकास कार्यक्रम NSDDP के माध्यम से, हथकरघा विपणन समूह के माध्यम से, और भी हमारे शिल्प मेले के माध्यम से, और ई कॉमर्स के माध्यम से भी हमने 20 ई पोर्टल्स को भी हमने काम दिया है, उसके माध्यम से अगर आप आंकड़ा बताना चाहोगे तो मैं उन आंकड़ों को भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 7 अगस्त 2015 को इंडिया हैंडलूम ब्रांड का लॉन्चिंग किया है। इंडिया हैंडलूम ब्रांड के माध्यम से भी ये मार्केटिंग का शुभारंभ हमारे देश के अंदर हुआ है, जिसमें 149 करोड़ रुपए का कारोबार 1 अगस्त 2015 से और आज तक हुआ है। और वहीं हैंडलूम वीवर को ई पोर्टल के माध्यम से भी हम जनता तक सीधे उनका जुड़ाव, क्योंकि आज के आधुनिक युग में युवा पीढ़ी अपने इच्छानुसार खरीद प्रकोष्ठ पर जोर दे रही है, और वो कहीं भी बैठ करके अपने इच्छा के अनुसार हैंडलूम वीवर के साथ जुड़ करके अपने उत्पादन को खरीद सकते हैं। इसलिए पिछले बार हमने ये पोर्टल लॉन्च किया था, आज इसमें 10.62 करोड़ रुपए की बिक्री इसके माध्यम से की गई है। अन्य अन्य प्रकार से हम कई प्रकार से वीवर अधिक आगे बढ़े उनको हम सहयोग कर रहे हैं, और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार भी हमने इंडिया हैंडलूम ब्रांड को GI ब्रांड भी उसमें हमने अलग से निकाले हैं, तो बहुत प्रकार की योजनाओं का वीवर के अनुरूप काम हो इस देश के अंदर, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को और रोजगार सुलभ हो, और अपना देश का ब्रांड पूरे विश्व के अंदर आगे जाए, इस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। श्री हुसैन दल भाई, मैं मंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने 6,000 करोड़ रुपए का पैकेज टेक्सटाइल सेक्टर को दिया है, तो वो अभी रिलीज फंड रिलीज हो गए हैं क्या, और हो गए होंगे तो कहाँ कहाँ हो गए? क्योंकि आपने टेक्सटाइल, क्योंकि प्रश्न हैंडलूम के विपणन से संबंधित था, मगर मेरी जानकारी में है, क्योंकि 6,000 करोड़ का पैकेज पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, खासतौर पर अप्रैल गारमेंट्स और मेडअप्स के उत्थान के लिए है, और जो भी अपग्रेडेशन है अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का है और उसकी मार्केटिंग का है, अधिकतम हम उस दिशा में काम करना हमने शुभारम्भ किया है, उस पर हमारे कार्य पूरे देश के अंदर विभिन्न प्रांतों में संचालित हो रहे हैं। श्री नरेश अग्रवाल, मैं माननीय मंत्री जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, हैंडलूम उद्योग बड़े छोटे लोग चला रहे हैं, और चाइना की मार्केट में आने के बाद उनके सामने बहुत बुरी परिस्थिति पैदा हो गई है। अभी GST भी उन पर लगा दिया गया, कल मुझसे मिले भी थे वो लोग, और वो लोग मांग कर रहे थे कि GST हमसे हटाई जाए। तो मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि स्वदेशी अभियान को जब आप लोग जोर दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का भी नारा है, BJP का भी नारा है, तो क्या उस स्वदेशी अभियान के तहत जैसे आप खादी पे छूट देते हैं 1 महीने 2 महीने, वैसे हैंडलूम पे या तो आप छूट दे दीजिए, क्योंकि आप कहते हैं 2005 से हमने छूट बंद कर दी, या तो उनको बिजली मुफ्त कर दीजिए या 50% बिजली कर दीजिए, या खादी की तरह हैंडलूम पर भी 20% की साल भर की छूट देके अगर सरकार उस बोझ को सह ले तो शायद हैंडलूम उद्योग जिंदा हो जाएगा। तो क्या GST आप हटाने की घोषणा करेंगे, दूसरा उनको कुछ छूट देने की घोषणा करेंगे? मेरा ये प्रश्न। थैंक यू महोदय। माननीय सदस्य महोदय के द्वारा हैंडलूम्स वीवर्स के बारे में काफ़ी चिंता व्यक्त की, और सरकार भी चिंतित है, और हमारी सरकार उस दिशा में लगातार निरंतर काम भी कर रही है। चूँकि आपने बोला है कि आप बिजली के बारे में, चूँकि हैंडलूम का प्रश्न है, पावर लूम में बिजली की आवश्यकता होती है, मगर हैंडलूम पर भी हम अपना वीवर, क्योंकि पार्ट टाइम में काम कर सके, उसको सोलर ऊर्जा के माध्यम से हम उसके काम को प्रभावित ना हो उसको हम करते हैं, पावर लूम में भी हम करते हैं, मगर प्रश्न उसका है, मगर पावर लूम में भी हम 90% की सब्सिडी शेड्यूल ट्राइब के क्षेत्र में, और 75% की सब्सिडी के माध्यम से शेड्यूल कास्ट के क्षेत्र के अंतर्गत दे करके उनको सोलर के माध्यम से जोड़ने का काम पावर लूम के सेक्टर के अंतर्गत हम कर रहे हैं। हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट।
जी जी जी, जी और सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी सामान्य लोगों वर्ग के लोगों के लिए भी 50% की छूट सोलर के माध्यम से लगभग 5.5 लाख रुपए तक का उपक्रम सोलर का पैनल पावर लूम में लगा सकते हैं। क्योंकि फिर प्रश्न हैंडलूम के विपणन से संबंधित है, मैंने ये फिर भी अतिरिक्त आपको इसकी जानकारी दी है, मगर राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस की पहली बार इस सरकार ने आरंभ किया है। वीवर को काम मिले क्योंकि कमजोर वर्ग के लिए ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में इसकी शुरुआत की और दूसरी कार्यक्रम हमने वाराणसी में इसका पिछली बार 7 तारीख को वाराणसी में किया और इस बार के हम 7 अगस्त को गुवाहाटी में पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदर करने जा रहे हैं। इसलिए वीवर्स को हर प्रकार से सुविधा हो, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास और उसको काम मिले, इस दिशा में चाहे उसको यान की सब्सिडी है उसको भी हम लगातार दे रहे हैं। और आपके ध्यान में पुनः देना चाहता हूँ क्योंकि GST के अंतर्गत हैंडलूम वीवर नहीं। श्रीमती विजिला सत्यनाथ। Extremely thank you. As per everyone know that the handloom industry is a cottage industry which gives livelihood for the major population of the rural people. So it is completely the rural population is dependent on this handloom as their livelihood. But my question to the Honorable Minister is, as one person cannot carry out the entire process of production of these textile goods, we are extremely compassionately looking on to you for complete waiving of GST tax in the textile sector who do the manufacturing under the job work basis. That is, different stages are done in different level and every stage there is 5% tax being imposed as GST. So I would like to know from the Honorable Minister whether the job work basis, the handloom industry, which is mainly doing with job works, can be totally be waived from the GST tax. Thank you. महोदय, पुनः मैं बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से माननीय सदस्य महोदय ने हैंडलूम वीवर के लिए चिंता की और यह भी कहा है कि एक कपड़े को बनाने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं और इसी चिंता को देखते हुए हमारे कॉमन फैसिलिटी सेंटर के माध्यम से जो समूह काम करता है, मिल से यान उसके घर तक पहुंचाने में जो भी खर्चा लगता है उस पर सरकार उसको मुफ्त में देती है, उसको उस पर कोई चार्ज नहीं लेती और साथ के साथ जो उसको यान मिलता है उस पर उसको 10% की सब्सिडी भी दी जाती है और ऐसे ही जो डिपो संचालन करता है उसको संचालन करने की भी 2% सरकार भारत सरकार के माध्यम से दिया जाता है। उसका उत्पादन बड़े आगे जाए उसके लिए हम मार्केट में उसको भेजने के लिए जो भी मार्केट में जाना है, मैं अगर आप बताना चाहेंगे तो मैं उन सभी मार्केटों का नाम भी आपको बता सकता हूँ। उस मार्केटों में चाहे वो सूरजकुंड का मेला है, शिल्पग्राम है जो राजस्थान सरकार का है, शिल्पाराम नामित एजेंसी आंध्र प्रदेश में है, शिल्पारामा नामित एजेंसी तेलंगाना है, ताज महोत्सव आगरा उत्तर प्रदेश है, शिल्पग्राम नामित एजेंसी मध्य प्रदेश है, तोसाली नामित एजेंसी उड़ीसा सरकार है। इस जगह में ले जाने के लिए भी उसको सहयोग करने के लिए इन मेलों को के लिए 12 लाख रुपए की सहयोग राशि केंद्र सरकार देती है और भागीदारों को निःशुल्क स्टॉल अपने माल को वो वहाँ तक बेच सकें उसके लिए भी कर रहे हैं। हम अभी एक नया प्रकार से 2017 में भागीदारी TA और DA माल भाड़ा प्रभार की प्रतिभूति के लिए भी उसको शुरू करने जा रहे हैं कि वो अपना भी और अपने माल को भी अपने मेलों तक पहुँचा सके। फिर पुनः चूँकि हैंडलूम पर GST नहीं है, प्रश्न हैंडलूम से संबंधित है क्योंकि वो 20 लाख के ऊपर नहीं आता। क्वेश्चन 213 जी, जवाब दे दिए जी। विवरण सभा पे प्रश्न पूछिए आप। सर, सभापति महोदय, मैं आभारी हूँ कि आज मुझे कृषि से संबंधित प्रश्न करने का यह अवसर मिला है। अध्यक्ष महोदय, किसानों से संबंधित प्रश्न है, किसानों को समय पर बीज कैसे उपलब्ध हो, खास करके जब आपदा कोई प्राकृतिक आपदा आ जाता है, ऐसी स्थिति में संबंधित राज्य
के पास जो उपलब्ध संसाधन हैं और जो कृषि बैंक के केंद्र हैं, उन केंद्रों के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों में किसानों के लिए बीज जो है उपलब्ध कराया जाता है। जो उत्तर माननीय मंत्री जी द्वारा जो दिया गया है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि आज फसल उत्पादन में वृद्धि के विभिन्न कारकों में से उन्नत बीज एवं महत्वपूर्ण कृषि निवेश है, क्योंकि यदि बीज खराब है तो शेष अन्य साधन उर्वरक सिंचाई आदि पर किया गया किसानों का व्यय जो है वो बेकार चला जाता है। तो मैं क्या है जानना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास निकटवर्ती क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता युक्त बीजों की उपलब्धता न होने के कारण भी औसत उपज में कमी आती है। क्या सरकार द्वारा बीज उत्पादन और फलों उपरांत बीज प्रौद्योगिकी के संबंध में किसानों को किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करने के कार्य करेंगे? थैंक यू। पहला प्रश्न है। दूसरा भी मैं रिपीट कर जी नहीं, एक एक वक्त में एक। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य ने जो चिंता जताई है वो बीज बैंकों के बारे में उन्होंने जानना चाहा। ये भारत में आपातकालीन स्थिति को निपटने के लिए अपने देश की जो भी आवश्यकता है उनका 1% रिजर्व बीज पूरे देश के लिए रखा जाता है। केंद्रीय योजना के तहत ऐसे कुल 21 केंद्र हैं जहां पर ऐसे बीज सुरक्षित रखे जाते हैं। सूखा, बाढ़ या ऐसी कोई आपदा के समय जो राज्य में जो रूटीन में बीज उपलब्ध होते हैं, ये चैनल अगर टूट जाता है तो इस बीज बैंक के माध्यम से उस राज्य के किसानों को ये पहुंचाने की आवश्यकता है। इस वर्तमान वर्ष में सभी राज्यों के साथ जब बीजों की आवश्यकता के बारे में बैठक की गई थी, उस समय 140 लाख क्विंटल बीजों की आवश्यकता सभी प्रांतों की ओर से बताई गई थी। उसके उपलक्ष्य में हमारे पास 153 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध है। किसी भी प्रांत से कोई भी बीजों की कमी की कोई सूचना नहीं है। धन्यवाद। ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था है? तो हमारा राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं टेक्नोलॉजी मिशन के तहत हम राज्यों को पैसा देते हैं और अच्छे उच्च पैदावार के बीजों की व्यवस्था भी करते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं, और इसके लिए हर राज्य को प्रतिवर्ष धनराशि दी जाती है। थैंक यू। दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि प्रायः देखने को मिला है कि किसानों को जो बीज उपलब्ध होते हैं, जो दिए जाते हैं, उनमें बहुत सारे बीजों में बहुत सारे शिकायतें आती हैं। गुणवत्ता विहीन जो है बीज उपलब्ध होता है, गुणवत्ता खराब होने की वजह से उनका जो उपज होना चाहिए उतना उपज नहीं हो पाता, और अंततः जो है किसान जो है वो कर्ज में डूब जाता है, और इसके वजह से बहुत सारे उन्हें विवश होकर के आत्महत्या तक करने का ऐसा दुस्साहसिक निर्णय लेना पड़ता है। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा बीजों की गुणवत्ता के संबंध में कोई नियंत्रण प्रणाली तैयार की है क्या, और जिससे कि खराब बीजों के वितरण को रोका जाए और जो विक्रेता इस प्रकार के घटिया बीजों के वितरण कर रहा है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। थैंक यू। दूसरी इसी के एक साथ में एक सवाल हो गया जी, जवाब दीजिए। बीजों की क्वालिटी को विनियमित करने के लिए कानून है और बीज कानूनों को लागू राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है, और इसका एक बहुत बड़ा विशाल नेटवर्क भी है। इसका जो महोदय नेटवर्क है कि बीज की क्वालिटी का निर्धारण करने के लिए बीज परीक्षण मुख्य पहलू है, और उसके मुताबिक राज्य सरकार को राज्य में एक या एक से अधिक राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की शक्तियाँ प्रदान करता है जो कानून है। उसके तहत देश में आज
124 प्रयोगशालाएं राज्यों के पास है और दो केंद्रीय प्रयोगशाला एक बनारस में और एक नागपुर के अंदर है और इसके माध्यम से राज्यों के सहयोग से हम उसको नियंत्रित करते हैं और इसके प्रावधान कानून के अंतर्गत है, उनके लिए सजा भी है। थैंक यू श्रीमती छाया वर्मा। मंत्री जी से मैं जानना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य में केवल दो ही बीज बैंक हैं और सोसाइटी के माध्यम से किसान बीज खरीद के ले जाते हैं और सोसाइटी में उस बीज का ठीक से रख रखाव नहीं होने के कारण पूरे उस बीज में गुणवत्ता में कमी आती है और लेट मिलता है किसानों को। जिस समय ज़रूरत रहती है उस समय सोसाइटी में नहीं मिलता बल्कि खुले मार्केट में बहुत महंगे दाम में किसान को लेना पड़ता है और जब सोसाइटी में आता है तो उसकी गुणवत्ता विहीन होती है। तो क्या मेरा प्रश्न ये है कि क्या मंत्री जी हर सोसाइटी में बहुत अच्छे बीज देंगे और उसका रख रखाव ठीक से होने के लिए क्या मानक आपने तैयार किया है? ठीक महोदय, राष्ट्रीय बीज बैंक एक अलग विषय है और जो बीज राज्य सरकारों के माध्यम से जो किसानों के बीच पहुंचता है राज्य सरकार या भारतीय बीज निगम के माध्यम से ले या प्राइवेट से ले, और उसके लिए मैंने पहले भी कहा कि पूरे राज्य के पास शक्ति है उसके जांच करने का, अभी खराब क्वालिटी का है और रख रखाव की व्यवस्था भी राज्य सरकार को करनी है। लेकिन जो बीज बैंक है ये पूरे देश में प्रतिवर्ष जो कुल अनुमानित बीज का लागत है उसका कम से कम 1% रिजर्व करना पड़ता है। जैसे अभी 17-18 में एक अनुमानित लागत 353 लाख क्विंटल बीज की थी, तो बीज बैंक इसलिए है कि उसमें 1% कम से कम रिजर्व रहे कि यदि आपदा आ गई तो फिर उसमें से राज्य वो बीज का उपयोग करे। तो ये जानकारी मैं देना चाहूँगा कि इस वर्ष के लिए बीज बैंक के अंदर 485,000 क्विंटल रिजर्व है और ये 15 अगस्त खरीफ में और 31 दिसंबर रबी में ही रिजर्व रहेगा कि यदि आपदा आ गई और पूरा जो बीज है वो समाप्त हुआ तो इसका उपयोग करते हैं। तो बीज बैंक कंटीजेंसी के तरह देना है, आपदा आने पर देना है और 3 वर्षों के अंदर का मैं आंकड़ा देख रहा था तो इसका उपयोग सिर्फ केरल राज्य में हुआ है और 15 अगस्त के बाद यदि ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी राज्य को अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन हर राज्य के पास यानी 21 राज्य के पास एक बीज बैंक है राज्य स्तर का और 5 क्षेत्र में 5 राष्ट्रीय बीज बैंक है। तो इसके माध्यम आपदा की स्थिति में कंटीजेंसी के रूप में केरल सरकार पिछले 3 साल से इसका उपयोग कर रही है और 15 अगस्त के बाद अब जो बीज बचे होंगे हम रख रखाव के लिए भी राज्यों को पैसा देते हैं तो बचे होंगे तो कम कीमत पर बिकेगा और उसमें 10% की सहायता भी हम राज्य को देंगे। बीज बैंक। श्री अमर सिंह। ज़्यादातर सदस्यों ने ये जो बैंक बना है बीजों के लिए उसमें अमूमन एक बात कही है कि गुणवत्ता उसकी ठीक नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से एक ही प्रश्न पूछना चाहूँगा कि ये प्रतिध्वनित है पूरे सदन में लगभग सभी प्रश्नों द्वारा कि इसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, तो अगर गुणवत्ता ही ठीक नहीं है तो बीज बैंक का औचित्य क्या है? और दूसरा, बीज बैंक सीमित जगहों पर क्यों है? क्या पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और मंडल लेवल पर इसको विस्तारित करने की आवश्यकता नहीं? कहा कि ये बीज बैंक प्रति वर्ष जो अनुमानित बीज लगने की संभावना है उसका 1% रिजर्व रहता है और मैं आंकड़े भी आपको बताऊंगा कि सभी राज्यों के पास ये प्रति वर्ष ये रिजर्व किया जाता है और अभी 3 वर्ष के अंदर सिर्फ ये केरल में इसका उपयोग हुआ है और क्वालिटी जांच के लिए कंट्रोल के लिए 124 प्रयोगशालाएं राज्यों के पास है और 5 क्षेत्र में भारत सरकार के भी 5 प्रयोगशालाएं हैं जिनके माध्यम से एक कंट्रोल होता है। मुख्यतः राज्य सरकार का एक विषय है लेकिन राज्य उसको अपने प्रयोगशाला में टेस्ट करती है और ज़रूरत पड़ने पर हमारे जो 5 प्रयोगशालाएं हैं तो उसमें भेजते हैं। थैंक यू श्री विजय साय रेड्डी। सर, विद मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस
and changed cropping patterns. Changed cropping patterns and genetic diversity started getting lost, sir. This has resulted in genetic base of traditional seed varieties. Usage of traditional seed varieties are getting slowly reduced considerably, and several traditional seed varieties are now facing extinction, sir. I would like to know from the minister, Honorable Minister, what steps the government is taking to encourage the farmers to save and use traditional seed varieties, since they are more compatible with the local farming conditions, sir. Thank you very much. Mohde, main mananiya sadasya ko batana chahunga ki padap kism aur kisan adhikar pradhikaran hai aur iske andar ek samudayik beej bank hai. Iske karan kisan aur kisan samuday बेहद लाभान्वित होते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल किस्मों के संरक्षण एवं सुरक्षित रखने के साथ ही सामुदायिक बीज बैंक के माध्यम से किसानों को बीज एवं प्रारंभिक किस्मों की प्रजाति किस्में उपलब्ध की जाती हैं। इसका एक बैंक है यहीं पर दिल्ली के अंदर, और इसमें सामुदायिक बीज बैंक में जो ट्रेडिशनल बीज है जो लुप्त हो रहे हैं, न उनको सिर्फ जमा किया जाता है बल्कि उनका उत्पादन बढ़े, इसकी भी योजना होती है, और प्रति वर्ष ऐसे किसानों को पुरस्कृत भी किए जाते हैं। इस वर्ष भी पुरस्कृत किया गया है, और उसमें हम प्रत्येक किसान के लिए जो वार्षिक आधार पर हम ये देते हैं पादप जीनोम संरक्षण किसान जीनोम पुरस्कार, अधिकतम 10 होते हैं और उन्हें वार्षिक आधार पर दिया जाता है। इनमें से प्रत्येक पुरस्कार की राशि 1.5 लाख रुपये होती है, और उसके साथ प्रशस्ति पत्र और मेमेंटो भी हम देते हैं, और 20 पानम पादप जीनोम पादप संरक्षक मान्यता प्रमाण पत्र में से प्रत्येक में 1-1 लाख रुपये की नगद राशि भी दी जाती है। मैंने कुल मिला जुलाकर जो हमारे ट्रेडिशनल बीज है जो लुप्त हो रहे हैं उनको संरक्षण के लिए यहाँ पर व्यवस्था है, उनको प्रोत्साहित करने की व्यवस्था है, और उनको इनाम देने के कारण भी किसानों का आकर्षण उनको सुरक्षित और उत्पादन बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है। Question 214. Question kis ka hai? Sanjeev. Haan. Jee. Thank you. Haan. Jawab. Uttar Sabha Patal par. Sir, Sindri fertilizer ko anan phanan mein band kar diya gaya tha. Aur us samay jab ye band kar diya gaya tha, to sarkar ne koi thos karan nahi diya tha ki ise kyon band kar kiya gaya tha. Mahoday, abhi urea ki jitni kami hai, इसको देखते हुए, और मैंने बार बार इस सदन का ध्यान आकर्षित किया था कि सिंदरी फर्टिलाइज़र झारखंड का लाइफलाइन है, उसको खोलना चाहिए, और सरकार ने ये बात माना और सिंदरी फर्टिलाइज़र खोलने के लिए तैयार हो गई, और सरकार ने समय सीमा दिया है कि 2020 तक सिंदरी फर्टिलाइज़र का को खोल के चालू किया जाएगा। तो महोदय, मैं मंत्री साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि सिंदरी फर्टिलाइज़र खुलने के बाद जो वहाँ के लोग हैं जिन्होंने ज़मीन दिया था सिंदरी फर्टिलाइज़र को चालू करने के लिए, हजारों एकड़ ज़मीन दिया था, तो उन लोगों के जो वंशज हैं उनको नौकरी में कोई प्राथमिकता देने की सरकार की कोई मंशा है क्या? इस संबंध में मैं मंत्री से जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की कटिबद्धता किसानों के प्रति है, और उसको फिलफुल करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है रामागुंडम, तालचर, गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी, ये 5 हमारा फर्टिलाइज़र प्लांट को रिवाइव करना है। उसमें सिंदरी एक पुराना फर्टिलाइज़र प्लांट है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में देश में फर्टिलाइज़र उपलब्ध कराने के लिए किया था, और जब 1952 में ये प्लांट लगाया गया था उस वक्त उसमें जो ज़मीन किसानों ने दी गई थी ये सब आज उसकी तीसरी पीढ़ी चल रही है, और समय समय पर उसको जब लैंड ली गई तब उसको कंपनसेशन भी दिया गया था। उसके परिवार के लोगों को उस वक्त जॉब भी दी गई थी, वो भी 2002 में ये प्लांट बंद हुआ और तब तक ये सभी को VSR भी दिया गया है। अभी आज रिवाइवल हो रहा है प्लांट, आज उसके परिवार या कई लोग, जब इतना बड़ा प्लांट लगता है तो वहाँ शायद 10-15 हज़ार नए लोगों को रोजगारी मिलने के लिए जा रही है, तब नॉट ओनली फॉर उसके फैमिली लेकिन सारे सिंदरी विस्तार के लोगों को वहाँ अच्छी तरह से रोजगारी भी मिलेगी, और ये प्लांट शुरू होने से देश की फर्टिलाइज़र सेक्टर में 13 लाख मेट्रिक टन का उत्पादन भी बढ़ेगा।
दूसरा प्रश्न, जब ये सिंदरी फर्टिलाइजर वहाँ पर चल रहा था, उसके बाद उसको अचानक जब बंद कर दिया गया, तो वहाँ पर जो है सो सिंदरी में जो कोयलांचल का लाइफ लाइन था उस समय, लाखों लोग जो फर्टिलाइजर से संबंधित उस समय रोजगार पा रहे थे, या लाखों लोग उस समय जो बेरोजगार हुए थे फर्टिलाइजर के बंद होने के कारण, तो मैं और वहाँ पर जब सिंदरी फर्टिलाइजर बंद हुआ था तो कोयलांचल की स्थिति बहुत बिगड़ी थी, क्योंकि सिंदरी फर्टिलाइजर वहाँ पर एक प्राइम इंडस्ट्री था। तो मैं मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूँ कि सिंदरी फर्टिलाइजर जब 2020 को खोला जाएगा, तो क्या वहाँ पर जो कोयलांचल के लोग हैं जो सिंदरी फर्टिलाइजर के चलते परेशान होंगे, वहाँ पर पॉल्यूशन होगा, वहाँ पर तरह तरह का प्रॉब्लम माफिया को झेलेंगे, तरह तरह का समस्या आएगा, तो क्या मैं मंत्री जी से ये पूछ सकता हूँ या जान सकता हूँ कि जब सिंदरी फर्टिलाइजर में खुलेगा और लोगों को नौकरी दी जाएगी, तो झारखंड के लोगों को कोई प्राथमिकता दी जाएगी, खासकर नीचे तबके के नौकरियों में? सर, जब सिंदरी फर्टिलाइजर सिंदरी प्लांट का रिवाइवल होने जा रहा है, वैसी स्थिति में सर, उसमें जब कोई भी इंडस्ट्रीज लगती है तो इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट ऑटोमेटिक होता है, और नॉट ओनली फॉर वहाँ के लोग लेकिन सारे लोग, इतना बड़ा वहाँ कारखाना लगेगा तो कारखाना में ही काम करेंगे उतने लोगों को तो रोजगारी मिलेगी, उसमें कोई टेक्निकल स्टाफ भी चाहिए और हायर एजुकेटेड स्टाफ भी चाहिए, हायर एजुकेटेड और टेक्निकल स्टाफ वहाँ से उपलब्ध होंगे, वहाँ से लेंगे, लेकिन साहब जब इंडस्ट्रीज लगती है, प्लांट लगता है, तो उसके अनुसार कई ऐसे रोजगार होता है, वहाँ होटल लगती है, वहाँ रेस्टोरेंट लगती है, वहाँ ट्रांसपोर्ट लगता है, ये सब काम के लिए वहाँ के लोकल लोग हैं उसको भी रोजगारी मिलती है, और मेरा मानना है साहब कि जब ये प्लांट लगेगा तो वहाँ के लोकल लोगों को 500 से ज़्यादा लोगों को ऐसी रोजगारी उपलब्ध होने की संभावना है, इसलिए माननीय सदस्य को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि ये प्लांट जब 2020 में कमीशन हो गए, और हमने तय किया है सभी प्लांट समय सर जो रिवाइव के लिए हमने तय किया है उस समय सर उसका कमीशन हो जाए, और समय सर वो स्टार्ट होने से कई लोगों को रोजगारी मिलेगी, ऐसी जो रोजगारी मैंने मेंशन किया है, रोजगारी वहाँ के लोकल लोगों को ज़्यादातर मिलती है, वो स्वाभाविक है, इसलिए वहाँ के लोकल लोगों को उससे बहुत फायदा होगा। श्री अनिल देसाई। चेयरमैन सर, सर इन ऑल 5 PSU फर्टिलाइजर प्लांट्स आर बीइंग रिवाइव विच विल सर्टनली बूस्ट आवर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट। आई वुड लाइक टू आस्क द मिनिस्टर थ्रू यू सर वेदर वी विल बी self-sufficient in this fertilizer sector, and as has been claimed by the fertilizer minister in the past, Anand Kumarji is very much here, that in urea we will be net exporter in time to come, whether is it in the offing? Thank you. Sir, because of the policy of our Honorable Prime Minister Narendra Bhai Modi, Make in India, we have started the revival of all these fertilizer plants, especially the Sindri, Baroni and Gorakhpur, they are on the anvil. Talcher and Ramgundam is also happening. Therefore, 5 fertilizer plants means 65 lakh metric tons of additional urea. What we require is 310 lakh metric tons, and we are only short of 55 lakh metric tons which we are importing. Therefore, in couple of years, instead of being a importing country, I want to inform this August House, sir, India will be a exporting country in urea and fertilizers. Thank you, Shri Jairam Ramesh. I'd like to remind the Honorable Minister that the revival of these fertilizer plants precedes 2014. It's been going on for a long time, so please don't give the impression that the revival started after the new government came into power. But this question is on Sindri, and my question relates to Sindri. So Sindri is a historic location because it was the first public sector plant to be inaugurated in this country. It went sick for a variety of reasons. Successive governments have tried to revive it, and you are also trying to revive it. What I would like to know is what precisely is the revival plan, and based on your revival plan, what percentage of the revival have you accomplished till now? That's all I want to know. Thank you. Sir, I want to inform honorable member through you, sir,
though the revival package was agreed and approved by then cabinet in 2008, nothing had moved, sir. Because earlier it was decided that it should happen through nomination basis. It was given to Steel Authority of India Limited. The Steel Authority of India Limited itself went into problems. Therefore, it didn't happen, sir. And the other cases also were in the same shape. But after 2014, when Honorable Prime Minister Narendra Bhai Modi took it up with great commitment and also pursued it with bringing about a consortium of public sector undertakings like NTPC, like Coal India Limited, all of them came together and they are providing the equity for this revival. And there is a joint venture companies already formed, that is HURL, that is Hindustan Urvarak Rasayan Limited, which is going to revive all these three companies. Regarding Talcher and Ramagundam, regarding Talcher and Ramagundam also, joint ventures were formed in 2015 and mid 2015, and already the bidding process is on in many of the cases, and the preparation of the ground activities are on. When the final bidding is done, means it is on the anvil, it is in the process, I think within next 3 years we will be seeing all the plants commissioned and functioning, sir. And I have got a happy information also to add, sir. Ramagundam is going with such a speed that I think by the end of the year we may be commissioning Ramagundam. Therefore, after 20 years, that will be the first fertilizer plant in India which is going to be commissioned and producing 13 lakh metric tons. So my question is on Sindri. Sindri, yes, would you like to clarify that? Regarding Sindri also, sir, when I am saying all the three companies, Sindri, Baroni and Gorakhpur, all the three are under one joint venture. The name of that joint venture is Hindustan Urvarak Rasayan Limited. And NTPC and Coal India are the companies, public sector undertakings, which have provided the equity to it. With that, we are also there, the Fertilizer Corporation of India Limited. The question was, what percentage of the revival in Sindri has been completed till now? That's a simple question. Sir, the Honorable, he is a very learned member of this house, sir, he also knows that percentage cannot be gauged only by physical development, physical infrastructure creation. There has to be financial closure, there have to be the bidding process, then the whole area has to be made ready. Therefore, I will give this house as well as him the exact amount of percentages of financial and physical development in this regard, sir. But I can only say this, that within couple of years, because we require 36 months, sir. And in 36 months, we have only traversed first 12 months. Therefore, remaining 24 months are there. We are time bound and we are going to complete it. Thank you. Shrimati Kakasha Parveen. आपने मुझे सवाल पूछने का मौका दिया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जो उन्होंने अभी जो आंकड़े बताए उसकी एक कॉपी मैं चाहूंगी कि मुझे उपलब्ध करा दी जाए। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, इसमें जवाब में उन्होंने कहा है कि सिंदरी का नया उर्वरक कारखाना जो है 2020 में चालू होने की संभावना इन्होंने बताई है। मैम, और इन्होंने ये भी बताया है कि अतिक्रमण एवं बेदखली करने के लिए, अतिक्रमण हटाने और बेदखली कराने के लिए एक निगरानी कमेटी बनाई गई है, जिला प्रशासन से मिलकर के इसकी मॉनिटरिंग करता है। मैं ये जानना चाहती हूँ माननीय मंत्री महोदय से, आपके माध्यम से, कि क्या अतिक्रमण जमीन जो है, जितनी अतिक्रमण जमीन है इसका सर्वे कराया गया है कि कितनी जमीन अतिक्रमक है, और अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कोई समय सीमा तय की गई है कि कब तक अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा इन जमीनों को? थैंक यू। जिन्हें जो प्रश्न पूछा है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब कोई गवर्नमेंट पीएसयू या गवर्नमेंट सेक्टर उसकी जब बंद होता है,
तब एक्रोचमेंट होता है, और जब एक्रोचमेंट होता है उसके उसको खाली करना एक जिम्मेदारी हो जाती है, और इसलिए जब हम उसका रिवाइवल करने के लिए जा रहे हैं वैसी स्थिति में कुल मिला के 3,174 जो क्वार्टर्स थे वो क्वार्टर्स पर इलीगल लोग रह रहे हैं उसके सामने हमने कार्यवाही शुरू की है। उसमें से 3,122 क्वार्टर्स हम कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके उसको खाली करवाने के लिए ऑर्डर लेके आए, स्थानीय प्रशासन के साथ बातचीत चल रही है, और प्रशासन के साथ बातचीत करके जो इलीगल लोग रह रहे हैं उसको हम खाली भी कराएंगे। और जब 2002 में हमने प्लांट बंद किया तब वहाँ क्वार्टर्स में जो पुराने एम्प्लॉयज़ रहते थे उसको हमने 1,407 क्वार्टर्स अलॉट किया था, उसको हमने लीज पर दिया हुआ है, वो परमानेंट अपनी फीस देते रहते हैं और वो लोग वहाँ रह रहे हैं। और जब हम नया प्लांट रिवाइवल करेंगे तब जो खाली होगा उसका उपयोग करेंगे और सभी लोगों को रहने की भी व्यवस्था करेंगे, और जो भी एक्रोचमेंट है उसके सामने हमने FIR भी दर्ज किया है। ऐसे 8 केस ऐसा है कि जिसमें हमने FIR दर्ज किया है और उनके सामने हम कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू। क्वेश्चन 215। जी सर, सवाल। रेल मंत्री जी हमारे बड़े मित्र हैं। आप लीडिंग सवाल पूछ रहे हैं। आप दुर्भाग्य है कि रेल का बजट अलग बंद हो गया, कंबाइंड बजट पेश होने लगा। इस बार रेल मंत्री जी कोई घोषणा ज़्यादा कर ही नहीं सकते हैं। शिवन, मैंने पूछा था, कहते हैं 1,00,000 करोड़ रुपए निधि से राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष का सृजन किया जाएगा 5 साल में, और आप कहते हैं ये कोष सरकार से मिलने वाली पूंजी इसके अलावा अपने संसाधनों से व्यवस्था करेंगे। माननीय मंत्री जी, आप हमको बता दें कि रेल के मॉडरेशन के लिए आपको कितने रुपए का, अभी तक कितना घाटा चल रहा है, और जो आप आधुनिक करना चाहते हैं जिसमें सिग्नल भी है, कोहरा वाला है, पटरी ठीक करना है, रेल की स्पीड बढ़ाना है, ये सब हैं, इन सबको मॉडरेशन करने के लिए आपको कुल कितना रुपये चाहिए, और आपका घाटा कितना है, और इस घाटे को कैसा पूरा करेंगे, मॉडरेशन का पैसा कहाँ से लाएंगे, और जो आप कह रहे हैं कि हम अन्य संसाधनों से रेल पे करें, वो अन्य संसाधन क्या क्या हैं? थैंक यू सर। सब बहुत अहम सवाल है, और थोड़ी सी आपके समय चाहूँगा क्योंकि 3 अलग अलग और बहुत विस्तृत से थोड़ा सा बहुत कम समय बताऊँगा, लेकिन सब चीज़ों को बस घड़ी पे नज़र रखिएगा सर। तो उनका जो अहम सवाल पूछे सर, पहली बात, आधुनिकीकरण करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है? सर, आधुनिकीकरण ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आप एक समय तक जाएंगे, जैसे कि सर हमको पता है 3G आया तो उसके बाद में 4G आया, 4G आएगा तो 5G आएगा, तो उसके लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी तो बढ़ते जाएगी, टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ते जाएगी उसके साथ रफ्तार रखने के लिए हमें भी निरंतर प्रयास करना होगा। इसके लिए एक तो एक बहुत ही निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन हमने पहली फेज में ये तय किया, उसके बारे में मैंने सदन का अवगत कराया था, उसके बारे में हमने सदन के सामने सब आंकड़े भी रखे थे। 8,52,000 करोड़ रुपये हम लोगों ने 5 साल के लिए रेल के आधुनिकीकरण की पहली स्टेप पर जाने के लिए हम लोगों ने तय किया था। आज मुझे कहने के लिए खुशी है कि हमने करीबन 3,75,000 करोड़ रुपया 3 साल पहले पूरे होने के पहले ही हमने उसके लिए अलोकेट किए हैं। और उसके अलावा यदि आप चाहेंगे कि पूरे रेल का आधुनिकीकरण, उसके अलग अलग पहलू, इसके लिए बताना चाहता हूँ कि जैसे डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, पूरे विश्व में सबसे अच्छे बनने वाली डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव तो हमने ग्लोबल टेंडर दिया था, जी और अल्स्टॉम उनको 40,000 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट देगा, और स्टेट ऑफ आर्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली सबसे अच्छे स्पीड से चलने वाले और सबसे कम कीमत में जी और अल्स्टॉम देश में बनाएंगे। यह भी एक आधुनिकीकरण का प्रक्रिया। थैंक यू। आधुनिकीकरण की और एक प्रक्रिया जिसमें 8,52,000 करोड़ में आपको सीधा दिखाने का, स्टेशन का रीडेवलपमेंट। स्टेशन के रीडेवलपमेंट करने के लिए हम लोगों ने जो कार्रवाई शुरू की है, आज मुझे सदन को कहने के लिए खुशी है, काफ़ी बड़े पैमाने पे उस पर काम हो रहा है। हमने करीबन 10 स्टेशन NBCC को दिए और 40 स्टेशन देने जा रहे, 23 स्टेशन का PPP मॉडल पे ऊपर चल रहा है, पहला रेल का स्टेशन थैंक यू हबीबगंज प्राइवेट सेक्टर को दिया भी गया। थैंक यू। साथ ही में हम लोगों ने दूसरा स्टेशन गांधीनगर, जिसमें 300 स्टेशन के 5-स्टार होटल, ये आज स्टेशन के ऊपर आने वाले।
सर सवाल जो पूछा उसके ऊपर जवाब दे रहा हूँ। आप पूछिए क्या, मेरे सवाल का जवाब है ही ना, यही तो आपने पूछा है। तो आपने सवाल नहीं पूछा, आप सिर्फ आप मेरे जवाब सुन रहे, सवाल भी पूछना चाहिए। तो तो मैं कहने का मतलब ये है कि आधुनिकीकरण के लिए हमने बड़ी मात्रा में काम करने की शुरुआत की है। इसके लिए जो पहले यूपीए के अंतकाल में 5 साल जो पूरे हुए इसमें हर साल 35,000 करोड़ से ज्यादा नहीं हुआ करता था, तो हमने उसको बढ़ोतरी करके 35,000 से ज्यादा कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ था, उसको बढ़ोतरी कर सिर्फ 3 साल में 3,75,000 करोड़ मॉडर्नाइजेशन के लिए हम लोगों ने खर्च किया और खर्च किया ने उसके लिए अलोकेट किया, काम हो रहा है और आगे आने वाले दिनों में आप उसको बढ़ोतरी कर 8 लाख। और आपने पूछा जो सेस के लिए 1,00,000 करोड़ सेफ्टी फंड हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं और वो सेफ्टी फंड का एक हिस्सा होगा। ऐसा नहीं कि सेफ्टी अलग से, इट्स नॉट अ स्टैंड अलोन इशू, द सेफ्टी इटसेल्फ विल मॉडर्नाइज द रेलवे, सो वी आर वर्किंग ऑन। थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन वेरी क्विकली नरेश जी। माननीय सभापति जी, घड़ी पे नजर रखिए, नया सदस्य हूँ, अभी क्वेश्चन पूछने में थोड़ा सा मुझे अनुभव चाहिए। हाँ, मैं अच्छा हुआ मंत्री जी ने तो हमारी और तकलीफ को ठीक कर दिया, हम तो 1,00,000 करोड़ समझ रहे थे, वो तो 8,00,000 करोड़ बताने लगे, हमको ज़रूरत है। और इन्होंने कहा कि 375 का हमने इंतजाम कर लिया, हमने ऑर्डर भी दे दिए मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, तो अब तो आपको 875 का मतलब 4,00,000 करोड़ रुपये और चाहिए। सवाल जब मैं सवाल ही पूछ रहा हूँ जी, जब जवाब सवाल का जवाब मिल जाए तो मैं वही, मैं सवाल से जुड़ा, माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया है मैं उसी के संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। आप रेल का किराया बढ़ाइए, हम कभी आपत्ति नहीं करते, ये आप लोग गलत सोचते हैं कि विपक्ष रेल किराया बढ़ाने का विरोधी है, किराया बढ़ाइए सुविधा भी तो दीजिए। आपको CAG ने इतना खराब रिपोर्ट दिया, जितने मंत्री बैठे क्या सुविधा है। नरेश जी प्लीज, क्वेश्चन पे कर रहा हूँ सीमन, हम आप दोनों ट्रेन पे नहीं चल रहे हैं, हमारे को तकलीफें नहीं मालूम हमें आपको, लेकिन नंदा जी बहुत चलते हैं इनको मालूम है। माननीय मंत्री जी, अभी अखबारों में छपा कि रेल जो है वो भी प्लेन की तरह किराए की को करने का तरीका करने जा रही, यानी 7 दिन की बुकिंग में इतना किराया, 10 दिन की बुकिंग में इतना किराया, 2 महीने पहले अगर आप कराएंगे तो इतना किराया, और दूसरा आपने तत्काल बुकिंग पे कितना रेट बढ़ा दिया, कैंसिलेशन पे कितना बढ़ा दिया, और जो लोअर बर्थ है उस पर किराया बढ़ाने को जो आप सोच रहे हैं, क्या इन सब पर चारों चीज़ें आप रेल की तरह किराया करने जा रहे हैं, प्लेन की तरह, और आपने कैंसिलेशन तत्काल पे जो चार्ज बढ़ाया है वो सही है कि गलत है? सर नरेश जी ने पहले कहा कि अच्छे मित्र हैं, तो इसके लिए अच्छे मित्र के नाते मैं उनको अच्छी जानकारी भी देना चाहता हूँ कि 10% डिस्काउंट आज हम करंट बुकिंग के ऊपर दे रहे हैं। किराया बढ़ाने की बात करें, मैं करंट क्या क्या घटाया बता रहा हूँ। रिड्यूस फेयर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, शताब्दी एक्सप्रेस अजमेर जयपुर और बेंगलुरु मैसूर पर रिड्यूस फेयर दे रहे, वही आपको कह रहा हूँ, मैं आपको वही तत्काल के बारे में पूछा, वही तो आपको बता रहा हूँ। हम लोगों ने जो 5% डिस्काउंट आपके किसी भी आप काम लेंगे उसके ऊपर दे रहे, और तत्काल के ऊपर हम लोगों ने बड़ी मात्रा में परिवर्तन किया। करीबन हम पहले जो आप जो पूछ रहे, जो हवाई जहाज जैसा किराए का कोई स्थिति रेलवे में नहीं, हम लोगों ने यही किया है कि जब पहले आप ट्रेन बुक करने जाएंगे तो पहले टिकट बुक करेंगे तो आपको कम पैसे में करीब मिलेगी, धीरे धीरे थोड़े से बढ़ जाएगी, लेकिन वो भी बहुत ही चीन स्टेशन 1.5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ जो रेलवे में सफ़र करते एसी सेकंड क्लास उसके लिए ही है, और उसमें भी हम लोगों ने अभी ये किया है। सर आप बुकिंग करने जाएंगे, आपको टिकट लेना है, अब कोई दलाल लोग आके आपको जो परेशान करते हैं उसको रोकने के लिए हम लोगों ने 10% डिस्काउंट आज टिकट बुक करने के बाद आप चार्ज बनने के बाद भी देने की नई सुविधा शुरू की, 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है। और साथ ही में मुझे कहने के लिए खुशी है कि पहले यह हुआ करता था, टीटी लोग क्या काम करते हैं उसके लिए लोगों की शिकायतें आती थी, उसको रोकने के लिए यदि आपने चार्ट बना दिया, एक स्टेशन का जो कोटा था वो आपको तो दूसरे स्टेशन मिलेगा, यही अलग अलग तरीके से करे, तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि रेल का घाटा आपने पूछा 45,000 करोड़ रुपया, 35 to 45 to 45 करोड़ इज अ रेलवे सब्सिडी विच इज गिवन टू द पैसेंजर, और हम लोगों ने लोगों को अवगत करने के लिए कि इतनी सब्सिडी दी जा रही है। हम टिकट के ऊपर ये छपा रहे दिखा रहे
कितनी सब्सिडी और जयराम रमेश जी जब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, मनमोहन सिंह जी जब हमारे वित्त मंत्री थे, उस समय से बात चल रही है कि यूजर चार्जेस पूरी मात्रा में रिकवर होने चाहिए, इसीलिए लोगों के मानसिकता बनाने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। थैंक यू श्री। आई एम अफ्रेड क्वेश्चन आवर इज ओवर। हाउस एडजर्न्ड टिल 2:30 PM।